अभी हम विकल्प की बात, अभी हम उस पार्टी का बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ विकल्प की बात करेंगे, क्योंकि तमाम पार्टी मेरी बातचीत हो रही है और लोग हमारे तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मैं भाजपा वोटर ऐसे नहीं, लेकिन आप तमाम पार्टी हमारे महानगर मनोज श्रीवास्तव जी हैं, तो क्योंकि मैं रहता हूँ मैं कर रहा हूँ, तो ये पूरे हम लोग कर रहे हैं, और भाजपा कोई भी नेता हो, सौरभ जी हो, महेश श्रीवास्तव हो, या जो भी भाजपा में हो, श्रीवास्तव है, जो भी भाजपा में हो, मैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, अखिल भारतीय समाजवादी राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। आज किसकी बैठक की है, क्या उद्देश्य? आज हमारी एक बैठक थी, एक चिंतन था हमारा राजनीति को लेकर, जिस तरह से राजनीतिक जो है हिस्सेदारी हमारे शून्य कर दी गई है, उसके लिए हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी, और इसमें हमारा खासतौर से एक पार्टी से विशेष तौर से हमारी नाराजगी है, जिसके हम परमानेंट वोटर रहे और राष्ट्रवाद के नाम पे हमने उनको बराबर वोट किया, लेकिन उन्होंने हमको अपना जो है बधुआ मधु समझ लिया। इसलिए इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि हम भाजपा के बिल्कुल विरोध में जाएंगे, और जो पार्टी हमको सपोर्ट करेगी, जो पार्टी हमको सम्मान देगी, हम उसके साथ जाएंगे। अभी कायस जो है पूरे हिंदुस्तान में 12 करोड़ संख्या में है, उसके बाद अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें एक बगादे टीवी आप लोगों के माध्यम से फ्लश हो रहा था कि फलाने समाज ये समाज वो समाज ये समाज का प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन कायस समाज का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं दिया गया, जो कि हम इतनी बड़ी संख्या में, और दिया भी नहीं गया, और एकमात्र हमारे जो प्रतिनिधि थे उनको उठा के बाहर कर दिया गया, उसका भी एक आक्रोश रहा। और आने वाला 2022 चुनाव में अभी हमने देखा भाजपा का कार्यकाल, कभी MLC भी हमको उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं दिया, न एक राज्यसभा दिया, न एक लोकसभा का सीट दिया हमको, न एक मेयर भी दिया, कोई कुछ भी नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता कि हमको देने के मूड में है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि नहीं, कायस समाज जो है राष्ट्रवाद के नाम पे हमको बिल्कुल जो है वोट करता रहेगा, लेकिन इस बार कायस महासभा ने अपना मत बना लिया है कि हम बिल्कुल 2022 में इनकी अपनी हैसियत बताएंगे। नहीं, मैं जो वो है, देखिए कैंट विधानसभा तो नहीं दिया कि उन्होंने कायस समाज प्रतीत कर रहे हैं, उनको इसलिए दिया कि उनकी पीढ़ियां 10 पीढ़ियां बगादे भाजपा की सेवा करती आ रही हैं, इसलिए उनको टिकट दिया। जहां तक क्षेत्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कई साल तमाम सालों से भाजपा में काम करते रहे, इसलिए उनको दिया होगा। लेकिन मेरी अगली जो चरण है, अगर भाजपा मेरी नहीं सुनेगी तो जितने हैं पूरे हिंदुस्तान में, जितने भाजपा में कायस समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी इस्तीफे की मांग करूंगा।